हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में अपना रूम शिफ्ट किया है, मैं अपने कंपनी के अकोमोडेशन के रूम में आ गया हूँ और मैं आज आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ यहीं के छोटे से सुपर मार्केट में। तो चलिए देखते हैं। ये एरिया एक्चुअली अबू बकर सद्दीकी के नाम से है। तो यहाँ का एक छोटा सुपर मार्केट है, अल सद्दीकी तलाल नाम है उसका, तलाल सुपर मार्केट। तो मैं आज आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का सुपर मार्केट। छोटा है लेकिन काफ़ी, जिसमें यहाँ पर रहता है एक बंदा उसने बताया काफ़ी अच्छा है। तो रमज़ान का टाइम है तो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रीट में, समोसा वमोसा पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कैसा है। चलिए तो दोस्तों, बस यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एरिया काफ़ी लग्जरी तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर कंपनीज के अकोमोडेशन ही दिए गए हैं। यहाँ पे आसपास जो कंपनी है उनके अकोमोडेशन से यहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह तुरंत मिल जाएगा, सुविधा तो है इतना। लेकिन ज़्यादातर तो जो है यहाँ पे कंपनीज नहीं अपना दिया है सब कुछ रहने का। यहाँ से जाना है थोड़ा ही दूर पे है, तो 2-3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जा रहा हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा दूध लेना है और बेसन लेना है, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा है यहाँ का भी माहौल। लेकिन मैं पहले जहाँ रहता था अलरास में, वहाँ से ये थोड़ा हटकर है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा कि यहाँ पे लोग इतने हाईफाई लोग नहीं हैं जो नॉर्मल जो होते हैं। तो मैं कर रहा हूँ रोड क्रॉस उसके जाना है उस पार। जैसे कि यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ तो है नहीं लेकिन ठीक है, कंपनी देती रहने के लिए तो यार जिस जगह देगी उसी जगह रहना पड़ेगा ना। आप बोल तो नहीं सकते कंपनी को कि मुझे इसी जगह क्यों दिया। बस आ गए थोड़े दूर पे है, काफ़ी अच्छा है। मैं आप लोग को अंदर ले जाके दिखाता हूँ कि तलाल सुपरमार्केट कैसा है। छोटा सा सुपरमार्केट है लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो आइए देखते हैं, देखिए पीछे कैसा माहौल है। अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादातर आपको लग्जरी कारें वारे देखने को तो नहीं मिलेगी ये एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉर्मल लोग ही रहते हैं। कुछ खास पैसे वाले लोग या फिर बहुत अमीर लोग तो वो डाउन टाउन में रहते हैं। यहाँ पे भी होंगे लेकिन उतने खास नहीं है। ये सब रहने का अपार्टमेंट है, घर अच्छा दिख रहा है। तो यार आइए अंदर चलते हैं तलाल मार्केट में। तो बस दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तलाल मार्केट के अंदर। ये देखिए स्ट्रीट फूड है, आपको समोसा खाना समोसा ले लीजिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तलाल मार्केट भी आ गया, रमजान की तैयारी चालू है। ये देखिए ये रहा तलाल मार्केट, जैसे आप देख पा रहे होंगे शाम के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहता है यार, कल भी भीड़ था, इसलिए सोचा कि आज जाता हूँ तो वीडियो बना के दिखाता हूँ तलाल मार्केट। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा है। काफ़ी भीड़ है, ठीक है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो कहाँ है देखना पड़ेगा। दोस्तों देखने के लिए थोड़ा सा टाइम, ये देखिए यहाँ पर आपको मिट्टा राइस है,
मुझे बेसन चाहिए था एक, तो बेसन का पैकेट देख लेता हूँ। हाँ है बेसन, बेसन देखिए मीट वगैरह भी है आपको जो भी चाहिए, फ्रोजन। कहाँ गया यार मीट, बेसन कहाँ है भाई? तो दोस्तों मैंने कर ली अपनी शॉपिंग कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ घर पे। ये रही शॉपिंग दलाल मार्केट से, घर पे दिखाता हूँ क्या क्या लिया है, क्या क्या बिल आया है, कितना आया है। चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं घर के अंदर। ओ फ्लाइट जा रही है ऊपर से यार। तो अब मैं आ चुका हूँ घर के अंदर, तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है तलाल मार्केट से और क्या क्या ख़रीदा है। इससे ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं, मैंने सिर्फ 4-5 आइटम ही ख़रीदा है क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ख़रीदना भी नहीं था, मुझे बस जो ख़रीदना था वो मैंने देख कर ही लेके आ गया। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ख़रीदा था ये टमाटर जो कि 1.27 दिरहम्स का है, कितना केजी है तो 450 ग्राम है। फिर मैंने ख़रीदा ये कढ़ी का पत्ता, कितने का है पता नहीं, बिल में देखना पड़ेगा। ये मैंने ख़रीदा था फिर बेसन, चने का बेसन है, देखिए तलाल का ये एक्चुअली इनका ही प्रोडक्ट है, तो ये था 5.5 दिरहम का। और मैंने ख़रीदा था ये सोरा ऑरेंज जो कि ये 3.5 दिरहम के लगभग का है, 3 दिरहम 24 पैसा। तो ये है इतना प्रोडक्ट मैंने ख़रीद के लगाया, ये माल है। इसकी सब्जी आज शायद बोल रहा था कि आज इसकी सब्जी बनाएंगे बेसन की जो मेरे साथ रहता है वो। तो चलिए मैं इसको रख देता हूँ फ्रिज के अंदर। तो जैसा कि ये रहा मेरा फ्रिज, कंपनी का फ्रिज है मेरा नहीं है, चालू हो गया है, तो इसके अंदर रख देते हैं। ये गया संतरा अंदर और फिर टमाटर्स को रख देता हूँ अंदर, इसके अंदर टमाटर्स रख देता हूँ पहले से ही यहाँ पे। और इसके अंदर कड़ी पत्ता रख देता हूँ, बेसन तो बाहर रखूँगा, कड़ी पत्ता ऊपर रख देता हूँ। तो अभी ये हो चुका है फ्रिज बंद, मग ले तो पानी पीने का प्यास लग गया मुझे, ये बंद नहीं हुआ, कर देता हूँ बंद, पानी गिर गया नीचे, मारना पड़ेगा पोछा। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं कहीं बाहर जाता हूँ फिर कोई और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ। अभी मैं थोड़ा सफाई कर लूँ, पानी गिर गया। ओके टेक केयर, बाय, थैंक यू।